टू अच्छे लगी फिल्म। कैरेक्टर्स के बारे में क्या करूँ कहना चाहोगे? सब कैरेक्टर्स अच्छे हैं। एनी फेवरेट कैरेक्टर? विलन का कैरेक्टर थोड़ा मेरे को अच्छा लगा बहुत। इसमें स्टार्स की काफ़ी बात हुई है मूवी में, तो कितना स्टार देना चाहोगे मूवी को आप? 4 स्टार देंगे। और जैसे उसकी कॉन्सेप्ट कैसी लगी आपको, स्टोरी कॉन्सेप्ट? अच्छा, थोड़ा चेंज आ गया काफ़ी टाइम से, थोड़ी अच्छा थ्रिलर है यार। थ्रिलर बॉलीवुड वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कहना चाहोगे? नहीं, ये फिल्म अच्छी बनाई है बॉलीवुड वालों ने। क्या कुछ कहना चाहोगे एट द एंड ऑडियंस को? ऑडियंस को कहूँगा ये फिल्म देखिए, आप फैमिली के साथ देखिए, और अच्छी फिल्म बनी है। साउथ की भी फिल्में भी देखो और ये बॉलीवुड की फिल्में भी देखो, अच्छी फिल्म है। सो व्हाट डू वांट टू से अबाउट? वंडरफुल मूवी है, देखनी चाहिए और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी मैं सबसे कहूँगी कि एक बार देखनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर है, अपने क्रिटिक्स के ऊपर है, तो वो ही बहुत अच्छी है, मतलब पैसा वसूल है। क्रिटिक्स की बात करी थी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे कॉन्सेप्ट के बारे में? कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, मतलब आपको थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस है, और जो ड्रामा चाहिए वो है मूवी में। और कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट, मसाला है। और मूवी को कितना स्टार देना चाहोगे? एट दी आई वांट टू गिव यू 4 स्टार, 4.5। थैंक यू। चुप, मज़ा नहीं आया। सोचा था मज़ा आएगा, कहानी बहुत यूनिक है एक ऐसे इंसान की जो सीरियल किलर है, जो फिल्म क्रिटिक्स को मारता है, तो कहानी बहुत यूनिक है, बट एग्जीक्यूशन पे काफ़ी फॉल्टी लगी मुझे। तो जो मज़ा मैं चाहती थी, मैं जेन्युइनली चाहती थी कि फिल्म मुझे बहुत एक्साइट करे, एंगेज करे, वो नहीं की, स्पेशली टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ वॉज स्टिल आई थिंक अ लॉट मोर फन। कैरेक्टर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैरेक्टर्स, आई थिंक सबसे मीठी कैरेक्टर इज़ डुलकर्स, जो मुझे डुलकर की परफॉर्मेंस थोड़ी इनकन्सिस्टेंट लगी, कभी अच्छे कभी थोड़े अंडरवेलमिंग लगे। कभी कभी लगा कि शायद उन्हें बहुत एफर्ट लग रहा है इस पार्ट के लिए। सनी देओल बहुत मज़ेदार लगे। तो बॉलीवुड का ये मूवी भी नहीं चलेगा आपके रिव्यू के हिसाब से? यार ऐसे नहीं होता है, मेरे रिव्यू के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा, बट फिल्म चलेगी ना चलेगी विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द ऑडियंस। कल बहुत लोग जाने वाले हैं, नेशनल सिनेमा डे है, आई थिंक परसों, सॉरी, तो 75 रुपये की टिकट है और ऑलरेडी बहुत एडवांस है चुप का, जितना मैंने पढ़ा है, तो अच्छी बात है, लोगों को जाना चाहिए। एक सिनेमा, हिंदी सिनेमा के बारे में भी बहुत कुछ बताती है ये फिल्म, बहुत पर्सनल कहानी भी है, सिनेमा पे भी कॉमेंट्री है, फिल्म क्रिटिसिज्म क्या होता है उसके बारे में भी है, तो ये डेफिनेटली ऑडियंस विल डिसाइड वेदर इट रन्स और नॉट, बट या दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट। स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? आई थिंक 2.5। मुझे कहना है कि ये बहुत ही अलग मूवी है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ देखने मिला है, तो एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट। स्टार के बारे में बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? मैं तो 4 दे दूंगी, मुझे डर भी लग रहा है लेकिन अच्छी भी थी इसलिए।